गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर क्या होता है ये समझेंगे आज इस वीडियो में। और पहले समझेंगे कि मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, व्हाट इज मैक्सिमम डिमांड, एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट इज मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। महत्तम मांग का जो सूचक है वो क्या होता है, पहले ये जानेंगे कि महत्तम मांग क्या है, डिमांड। ये मैक्सिमम डिमांड का संबंध होता है कंज्यूमर से। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का उपभोक्ता, उसकी मैक्सिमम डिमांड क्या है, यही मैक्सिमम डिमांड होती है। मैक्सिमम डिमांड का मतलब होता है एवरेज पावर रिक्वायरमेंट, एवरेज पावर इन अ गिवन टाइम, किसी दिए गए समय में उपभोक्ता की जो महत्तम पावर की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, औसत एवरेज पावर रिक्वायरमेंट क्या है मैक्सिमम, वो इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उपभोक्ता की जो मैक्सिमम डिमांड होती है ये बर्डन बढ़ाती है, बर्डन बढ़ाती है, लोड बढ़ाती है, किस पे ये बढ़ाती है, जनरेटर पे लोड। तो मैक्सिमम डिमांड जो है वो जनरेटर पे लोड बढ़ाती है, तो लोड मैनेजमेंट जो है उसके लिए आवश्यक है कि आपको मैक्सिमम डिमांड पता हो। और मैक्सिमम डिमांड जितना कम रहेगा किसी उपभोक्ता का, वो उपभोक्ता उतना ही आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तो मैक्सिमम डिमांड क्या है ये जानते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, बिल जिसको आप टैरिफ बोलते हैं, बिजली का बिल जो है उसका दो भाग होता है। एक होता है वो फिक्स होता है मैक्सिमम डिमांड के आधार पे, व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड, और दूसरा भाग होता है अमाउंट ऑफ यूनिट, जो यूनिट खर्च किया उपभोक्ता ने। ये दो भाग से बिल जो है जनरली बनाते हैं। इससे ये रहता है बेनिफिट कि उपभोक्ता मैक्सिमम डिमांड को अपना कम रखे। तो ये जो यूनिट होता है कहाँ रिकॉर्ड होता है ये आप देखते हैं, यूनिट यहाँ रिकॉर्ड होता है। और ये मैक्सिमम डिमांड कहाँ रिकॉर्ड होता है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर इसी में लगा होता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर कहाँ लगा रहता है, ये एनर्जी मीटर के अंदर लगा रहता है। एनर्जी मीटर आप पढ़ चुके हैं, उसके साथ ही ये लगा रहता है, जनरली अकेले नहीं होता है ये। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो होता है जनरली एनर्जी मीटर के साथ होता है। तो ये ज़्यादातर बड़े कंज्यूमर के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, क्योंकि जो बड़े कंज्यूमर होते हैं, जो कमर्शियल उपभोक्ता होते हैं, उनकी मैक्सिमम डिमांड लिमिट से जब बाहर जाती है तो सिस्टम पे, ग्रिड पे, पावर सिस्टम पे, जनरेटर पे बहुत हैवी लोड बढ़ता है, बर्डन बढ़ता है, जिसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मैक्सिमम डिमांड इसीलिए बिल के साथ में इंक्लूड किया जाता है। तो मैक्सिमम डिमांड देखिए, मान लीजिए दो यूजर हैं, एक है उपभोक्ता एक और दूसरा है उपभोक्ता दो। तो उपभोक्ता एक का जो है यूनिट मान लीजिए खर्च हुआ महीने भर में, उपभोक्ता एक ने यूनिट खर्च किया महीने भर में मान लीजिए 300, और उपभोक्ता दो ने खर्च किया यूनिट महीने भर में 300, लेकिन मैक्सिमम डिमांड दोनों की सेम नहीं है। यूनिट तो सेम है दोनों की, लेकिन मैक्सिमम डिमांड सेम नहीं है। पहले उपभोक्ता की मान लीजिए कि मैक्सिमम डिमांड जो है, मैक्सिमम डिमांड पहले उपभोक्ता की मान लीजिए, यूनिट इधर लिख देते हैं, सपोज यहाँ पे यूनिट 300 है दोनों की, लेकिन मैक्सिमम डिमांड सेम नहीं है। पहले की मैक्सिमम डिमांड मान लीजिए 2 किलोवाट है, दूसरे उपभोक्ता की मैक्सिमम डिमांड मान लीजिए 4 किलोवाट है। तो इस पे जो मैक्सिमम डिमांड के लिए जो फिक्स चार्ज लगेगा, मान लीजिए लगेगा 200, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। और दूसरे उपभोक्ता पे लगेगा मैक्सिमम डिमांड का चार्ज मान लीजिए 500। तो ये तो फिक्स हो गया मैक्सिमम डिमांड की वजह से। दूसरा यूनिट का फिक्स फिर मान लीजिए पर यूनिट 5 रुपया लगता है, तो पहले उपभोक्ता का कितना हो जाएगा,
1500 प्लस 200 1700 रुपये बिल आएगा। दूसरे उपभोक्ता का कितना आएगा, 1500 प्लस 500 2000। तो देख लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड में जो फ़र्क है उसके आधार पे बिजली का बिल जो है अलग अलग आया। क्यों? क्योंकि इस उपभोक्ता नंबर एक जो है कंज्यूमर नंबर वन का जो मैक्सिमम डिमांड है कम है, बाकी यूनिट सेम है दोनों का, और ये कंज्यूमर नंबर टू का जो है मैक्सिमम डिमांड जो है ज़्यादा है, इसीलिए इस पे चार्ज मैक्सिमम डिमांड वाला ज़्यादा लगेगा, बाकी फिर जो यूनिट वाला चार्ज है वो सेम लगेगा। तो मैक्सिमम डिमांड पे इसीलिए लिंक किया गया है कि मैक्सिमम डिमांड उपभोक्ता की जितना ज़्यादा होती है वो आपके सिस्टम पे बर्डन उतना ज़्यादा डालता है, आपको लोड मैनेजमेंट करने में उतना ही मुश्किल पैदा करता है वो उपभोक्ता। जैसे ये उपभोक्ता है ये ज़्यादा लोड डाल रहा है, और ये उपभोक्ता जो है एक समय में किसी दिए गए समय में ये कम लोड डाल रहा है, खर्च उतने ही बिजली कर रहा है दोनों, लेकिन ये लोड कम डाल रहा है एक साथ, ये जो दूसरा उपभोक्ता है एक साथ ऑन कर दे रहा है बहुत से उपकरण। तो मैक्सिमम डिमांड उस उपभोक्ता की अधिक होती है जो एक साथ ज़्यादा उपकरण ऑन कर देता है, तो उसकी एवरेज जो पावर रिक्वायरमेंट होती है किसी दिए गए समय में वो बढ़ जाती है। तो जैसे उपभोक्ता एक है, फर्स्ट कंज्यूमर है दिस कंज्यूमर, ये लोड तो ऑन करता है, ऊर्जा तो खर्च करता है, ये 300 यूनिट इसने खर्च किया है, लेकिन सारे लोड एक साथ ऑन नहीं करता है, बल्ब चलाता है, फैन चलाता है, हीटर चलाता है, कूलर चलाता है, एसी चलाता है, लेकिन वो एक साथ सभी को ऑन नहीं करता है। उनका मैनेजमेंट इस प्रकार करता है कि एक साथ सभी ना ऑन हो। लेकिन उपभोक्ता दो है जो कंज्यूमर टू है, ये क्या करता है, बल्ब, फैन, हीटर, कूलर, एसी सभी ऑन कर देता है एक साथ, तो इसका जो मैक्सिमम जो लोड होता है, मैक्सिमम जो डिमांड है एवरेज, वो बढ़ जाती है। तो इसलिए उपभोक्ता दो जो है ज़्यादा लोड डाल रहा है सिस्टम पे, इसीलिए ये उपभोक्ता जो है दिस यूजर इज़ नॉट गुड, ये उपभोक्ता जो है एक जो है अच्छा है, दिस इज़ गुड। तो ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इससे उपभोक्ता अपने मैक्सिमम डिमांड को कम रखे, जिससे उसका बिल भी कम आएगा और पावर कॉरपोरेशन को उसको मैनेज करना भी आसान रहेगा। तो मैक्सिमम डिमांड लिमिट भी फिक्स कर दी जाती है, जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो आपको जो कनेक्शन मिलता है तो उस कनेक्शन में आपको केवीए अलाट होता है। मान लीजिए आपको मिला है, एलोकेशन हुआ है 2000 केवीए का, यही आपकी मैक्सिमम डिमांड है। इस लिमिट से आप ऊपर जाएंगे तो आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा, बहुत हैवी एक ये तो रहेगा ही, जो आपको ये चार्ज रहेगा वो तो लगेगा ही। अगर आपने इसको एक्सीड कर दिया, मान लीजिए आप यूनिट कुछ भी खर्च करते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिमांड मान लीजिए आपकी हो गई है 2500 केवीए, तो आपके ऊपर क्या होगा, हैवी पेनल्टी लगेगी, हैवी पेनल्टी। क्यों लगेगी? क्योंकि आपने सिस्टम पे बिना बताए हुए 500 केवीए का लोड डाल दिया है, बिना बताए हुए 500 केवीए का लोड आपने पावर सिस्टम पे डाल दिया, ग्रिड पे डाल दिया, जनरेटर पे डाल दिया, ये कैसे मैनेज होगा? इसे जनरेटर जो है ओवरलोड हो जाएगा, ग्रिड ओवरलोड हो जाएगा, सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा, ग्रिड फेल हो सकता है, इसलिए पेनाल्टी लगाई जाती है कि मैक्सिमम डिमांड लिमिट जो पार करे उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए हैवी। तो ये मैक्सिमम डिमांड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके घरेलू उपभोक्ता के लिए तो नहीं ज़्यादा, क्योंकि घरेलू उपभोक्ता कितना लोड लगाते हैं, 1 किलोवाट 2 किलोवाट ऐसे, लेकिन जो कमर्शियल उपभोक्ता होते हैं, कनेक्शन लिए हैं 2000 केवीए का और लोड लगा दिए 3000 केवीए का, इतना लोड लगा दिए, तो ये जो है मैनेज करना मुश्किल होता है। तो ये भारी उपभोक्ताओं के लिए तो मैक्सिमम डिमांड जो है बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वहाँ पेनल्टी भी लगाई जाती है, बहुत हैवी पेनल्टी लगाई जाती है। तो ये समझिए मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर क्या है, मैंने बताया मैक्सिमम डिमांड क्या है, एवरेज पावर रिक्वायर्ड बाई आर और एवरेज पावर डिमांडेड बाई ए कंज्यूमर इन ए गिवन टाइम, मैक्सिमम एवरेज पावर डिमांडेड बाई ए कंज्यूमर इन ए गिवन टाइम, मैक्सिमम जो डिमांड होती है उपभोक्ता की औसत पावर, वही उसकी बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। तो उसको जो इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ज़्यादातर एनर्जी मीटर के साथ होता है, मैं अभी बता चुका हूँ, इट इज़ जनरली एम्बेडेड और विद इन द एनर्जी मीटर और इट इज़ इनबिल्ट इन द एनर्जी मीटर। ये कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए, जनरली एक होता है रिकॉर्डिंग डिमांड इंडिकेटर, ये एक टाइप है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर का। दूसरा होता है एवरेज डिमांड इंडिकेटर,
तीसरा होता है थर्मल टाइप मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, चौथा होता है डिजिटल मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। ये जो एवरेज डिमांड इंडिकेटर होता है इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी को मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर भी इसी को बोलते हैं, मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर को ही एवरेज डिमांड इंडिकेटर भी बोलते हैं। ये एनर्जी मीटर के साथ में होता है, इसी के साथ इनबिल्ट होता है। खास करके जो कमर्शियल एनर्जी मीटर होते हैं बड़े उपभोक्ता, वहाँ ज़रूर होता है। तो देखिए ये मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है, मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, उसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। तो ये मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, जिसको हम एवरेज डिमांड इंडिकेटर भी बोलते हैं, बहुत यूज होता है, बहुत पॉपुलर है, अधिकांशता एनर्जी मीटर में ये यही होता है। और ये अलग नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया कि ये उसी एनर्जी मीटर के अंदर होता है, इनबिल्ट होता है और उसी स्पिंडल से चलाया जाता है, जिस स्पिंडल से हम एनर्जी मीटर को ऑपरेट करते हैं वही स्पिंडल इसको भी चलाता है। मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर भी उसी स्पिंडल के द्वारा रन किया जाता है, चलता है उसी के द्वारा। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या है मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर की, संरचना देखिए। तो मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर मैंने बताया एनर्जी मीटर के अंदर होता है, और ऐसे एनर्जी मीटर को हम लोग मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटिंग टाइप एनर्जी मीटर भी बोलते हैं, जिसमें लगा रहता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, जिसमें लगा रहता है उस एनर्जी मीटर को क्या बोलते हैं, उस एनर्जी मीटर को बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटिंग एनर्जी मीटर। अगर इसमें लगा है एनर्जी मीटर में तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटिंग एनर्जी मीटर। तो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर का कोई सेपरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है, जनरली अलग से कोई उपकरण नहीं होता है, जनरली ये उसी में होता है एनर्जी मीटर के साथ में। कैसे होता है कंस्ट्रक्शन देखिए, एनर्जी मीटर को ये जो यूनिट दर्ज करता है, यूनिट हमने बताया था, एक तो यूनिट रिकॉर्ड होगी और दूसरा क्या रिकॉर्ड होगा, मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्ड होगा, मैक्सिमम डिमांड। तो इसको रिकॉर्ड यूनिट को कौन करता है, डिस्क द्वारा जो लगाए गए कुल चक्करों की संख्या गिनी जाती है, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय द डिस्क, एंड दिस इज इक्वल टू के इंटू ई होता है, ये आपको पता है फार्मूला। यहाँ से एनर्जी जो है कैलकुलेट हो जाती है, कैसे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय द डिस्क डिवाइडेड बाय एनर्जी मीटर कांस्टेंट, उससे भाग दे देंगे। सपोज इस डिस्क ने लगाया 360 चक्कर लगाया, इसका एनर्जी मीटर कांस्टेंट कितना है, 360 है, उससे भाग दे दीजिए तो यूनिट कितना आ जाएगा, एक यूनिट आ जाएगा, ये कैलकुलेट हो गई एनर्जी। तो डिस्क 360 चक्कर लगा देगा तो एक यूनिट हो जाएगी, इस तरह से ये गियर सिस्टम रिकॉर्ड कर लेगा यहाँ पे। ये तो आपको पता है कि एनर्जी मीटर इस तरह से करता है, यूनिट रिकॉर्ड हो गई। अब इसी स्पिंडल के साथ में देखिए, ये स्पिंडल है, इसी स्पिंडल की बात कर रहे हैं, दिस इज स्पिंडल, ये स्पिंडल एनर्जी मीटर को ऑपरेट करा रहा है, ये डिस्क चला रहा है स्पिंडल को, क्यों चला रहा है, ड्राइविंग टार्क लग रहा है इसीलिए स्पिंडल घूम रहा है। ये स्पिंडल यूनिट रिकॉर्ड करेगा, इसी स्पिंडल के साथ में देखिए, ये है, ये दिस इज स्पिंडल, दिस इज स्पिंडल, इसी के साथ में एक ये लगा होता है, ये भाग इसको बोलते हैं कैम, दिस इज कॉल्ड कैम, कैम लगा रहता है इसके साथ में, जो इसको आगे इस कैम का क्या काम है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये कैम में ये भाग थोड़ा सा ऐसे निकला रहता है, इसमें ये जो है बेल क्रैंक बोलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इंगेज कर देते हैं या डिसइंगेज कर देते हैं। तो जब इसको इंगेज कर देंगे इसके साथ में, तो ये जो है स्पिंडल घूम रहा है तो ये क्या करेगा, इसको भी घुमाना शुरू कर देगा, पिनियन बोलते हैं, इसको भी घुमाएगा। तो इसके साथ में यहाँ गियर लगा रहता है, गियर घूमता है, ये गियर इसको घुमाता है, ये इसको
एक इसमें लगा रहता है पिन, ये जो डायल है इसका, दिस इज द डायल, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर का डायल है, ये इंडिकेटर है, ये पॉइंटर है। तो ये जो गियर सिस्टम है ये रोटेट करने लगता है इसके साथ में, किसके साथ में, स्पिंडल के साथ में। स्पिंडल के साथ में कब रोटेट करने लगता है, जब ये बेल क्रैंक मैकेनिज्म इसको इंगेज कर देता है कैम के साथ। तो ये कैसे इंगेज कर देता है, यहाँ पे एक होता है इसको इंगेज करने के लिए एक टाइमर, टाइमर यूज़ करते हैं हम लोग, टाइमर। और वो टाइमर जो है एक्चुएटेड बाई होता है सिंक्रोनस मोटर, एक सिंक्रोनस मोटर होता है छोटा सा। वो सिंक्रोनस मोटर क्या करता है, टाइमर देता है, टाइमर को एक्चुएट करता है, और वो एक्चुएट हो के क्या करता है, इसको इंगेज करता है इसके साथ में, या डिसइंगेज करता है इससे। तो जब इसको बेल क्रैंक मैकेनिज्म को टाइमर क्या करेगा, एक्चुएट करेगा, तो ये क्या करेगा, इसके साथ में इंगेज हो जाएगा। तो इंगेज हो जाएगा ये जो है कैम के साथ में, तो ये स्पिंडल रोटेट कर रहा है, तो ये इसको रोटेट करने लगता है पिनियन को। पिनियन रोटेट होता है तो यहाँ गियर सिस्टम लगा हुआ है, ये क्या है, ये गियर सिस्टम है, गियर मैकेनिज्म है, दिस इज गियर मैकेनिज्म, दिस इज गियर मैकेनिज्म। ये गियर मैकेनिज्म क्या करता है, ये गियर मैकेनिज्म ड्राइव करने लगता है इसको, पिन को ड्राइव करता है, पिन पिन को ड्राइव करता है किस दिशा में, इस दिशा में, स्लोली स्लोली पिन को इस दिशा में ड्राइव करता है। और पिन के साथ में एक स्प्रिंग लगी रहती है, जब ये ड्राइव नहीं करेगा मैकेनिज्म, तो ये क्या करता है, पिन वापस चला जाता है अपने जीरो पोजीशन पे। तो ये पिन को ड्राइव करता है गियर सिस्टम, कहाँ ड्राइव करता है, इस स्केल के ऊपर या इस डायल के ऊपर। और पिन के साथ में ड्राइव होता है एक पॉइंटर, ये पॉइंटर ड्राइव होता है पिन के द्वारा, पिन जो है इस पॉइंटर को धीरे धीरे इधर खिसकाते हुए लाता है इधर डायल के ऊपर, ये डायल है, दिस इज डायल। तो डायल के ऊपर पॉइंटर को इधर की तरफ लाता है, कौन लाता है, पिन लाता है। और पिन को कौन ऑपरेट करता है, पिन को कौन मूव कराता है, ये गियर, गियर मैकेनिज्म जो लगा हुआ है यहाँ पे, गियर मैकेनिज्म। और गियर मैकेनिज्म कैसे चलता है, हमने बताया स्पिंडल के साथ में जब ये इंगेज हो जाता है, तो स्पिंडल चल रहा है ड्राइविंग टार्क के कारण, ऊपर इनर्जी रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे, उसके साथ ही साथ ये जब कैम इसके साथ इंगेज हो जाता है तो वो भी चलने लगता है, और वो चलता है तो ये गियर चलता है, गियर चलता है तो ये इसको रोटेट कराता है, गियर सिस्टम फिर मूव कराता है पिन को इस दिशा में धीरे धीरे। कितना मूव कराएगा ये डिपेंड करता है इनर्जी पे, कितने चक्कर स्पिंडल घूमा दिए गए समय में। तो सिस्टम इसका ये है, देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, ये है, ये स्पिंडल है, ये कैम है, ये इसका कैम के साथ में मैकेनिकल इंगेजमेंट या डिसइंगेजमेंट करता है बेल क्रैंक मैकेनिज्म। हालांकि आजकल बेल क्रैंक मैकेनिज्म और कैम की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी आ गए हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो है क्या करते हैं, वो इसको इंगेज या डिसइंगेज करते हैं स्पिंडल से, स्पिंडल से इंगेज या डिसइंगेज करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का भी सहारा लिया गया है, आजकल यही यूज होते हैं ज़्यादातर। तो कैम और बेल क्रैंक मैकेनिज्म ओल्ड है, लेकिन ये यूज होता था काफ़ी। तो ये इससे इंगेज या डिसइंगेज होगा एक टाइमर के द्वारा, और टाइमर को एक्चुएट करने के लिए या उसको ऑपरेट कराने के लिए हम यूज करते हैं एक सिंक्रोनस मोटर, छोटी सी यूज करते हैं, स्मॉल, वेरी स्मॉल सिंक्रोनस मोटर, उसी के माध्यम से हम एक्चुएट करते हैं टाइमर को। तो टाइमर में हम समय सेट कर देते हैं, मान लीजिए 30 मिनट, तो 30 मिनट के लिए इसको इंगेज कर देगा, कौन इंगेज कर देगा, टाइमर इसको इंगेज कर देगा, किसको, बेल क्रैंक मैकेनिज्म को कैम के साथ में 30 मिनट के लिए इंगेज कर देगा, 30 मिनट के लिए। उसके बाद ये 30 मिनट तक चलता रहेगा, तो ये गियर सिस्टम भी चलता रहेगा,
और ये गियर सिस्टम क्या करेगा, इस पिन को ड्राइव करेगा इस दिशा में धीरे धीरे। जब पिन इधर को धीरे धीरे मूव करता है तो वो अपने साथ में पॉइंटर को भी इधर को लाता है, ये पॉइंटर उसी पिन के साथ में इधर मूव करता है, पिन इसको मूव कराता है पॉइंटर को, ये पिन जो है पॉइंटर को इस दिशा में मूव कराता है। और जब ये गियर सिस्टम डिसइंगेज हो जाता है तो ये रोटेट करना बंद हो जाता है, इट स्टॉप्स रोटेटिंग। व्हेन इट स्टॉप्स रोटेटिंग, ये रोटेट करना बंद हो जाएगा कब, जब ये डिसइंगेज हो जाएगा। जब ये डिसइंगेज हो जाएगा तो ये स्पिंडल घूम भले रहा है लेकिन ये अलग हो गया है, अलग हो जाएगा तो ये गियर रोटेट करना बंद कर देगा। गियर रोटेट करना बंद कर देगा तो यहाँ पे जो पिन है इसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है, स्प्रिंग जो है इस पिन को क्या करता है, खींच करके पिन को वापस लाता है जीरो पोजीशन पे। तो स्प्रिंग तो भाग जाती है, पिन भी भाग जाता है, यहाँ से पिन भाग जाता है यहाँ, लेकिन ये पॉइंटर नहीं भागता है, पॉइंटर वहीं रुका रह जाता है जहाँ तक लाया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फ्रिक्शन मैकेनिज्म लगा रहता है पॉइंटर में, फ्रिक्शन मैकेनिज्म जो क्या करता है इसको वापस जाने से रोकता है, ताकि ये वैल्यू को इंडिकेट करता रहे, वैल्यू जो है बताता रहे। तो ये रुका रहेगा वहीं पे भले ही पिन भाग जाए। तो पिन जो है पॉइंटर जब ये मूविंग सिस्टम जो है ये स्पिंडल डिसइंगेज हो जाता है, जब इसके साथ में गियर के साथ में गियर से डिसइंगेज हो जाता है तो पिन भाग जाता है अपने वापस पोजीशन पे, जीरो पोजीशन पे, लेकिन पॉइंटर को वहीं छोड़ के जाता है जहां पे ये है। तो ये इसका सिस्टम है। पॉइंटर क्यों रुका रहता है, बता दिए हैं कि फ्रिक्शन मैकेनिज्म के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन रहता है थोड़ा सा ज़्यादा, इसको मूव करने में फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से ये पॉइंटर यहीं पे रुका रह जाता है। तो जब क्या करेंगे, ये सिस्टम क्या करेगा, इसको इंगेज करेगा 30 मिनट के लिए, तो एनर्जी कैलकुलेट होगी 30 मिनट के लिए, और उसके बाद टाइम से भाग दे करके हम पावर निकाल लेंगे, क्योंकि हमको जो एवरेज डिमांड निकालनी है तो एवरेज डिमांड पावर होती है। पावर कितने समय तक उसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे 30 मिनट से, तो 30 मिनट तक एनर्जी रिकॉर्ड होगी और उसको टाइम से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको एवरेज पावर आ जाएगी, वही मैक्सिमम डिमांड है, वही है मैक्सिमम डिमांड। तो ये 30 मिनट तक ये आगे बढ़ता रहेगा पिन, और पॉइंटर को आगे बढ़ाता रहेगा, और जहाँ तक मैक्सिमम ही पहुँचेगा पिन वहाँ तक ये पॉइंटर को ले जाएगा। इसके बाद 30 मिनट बाद क्या हो जाएगा, ये पिन भाग जाएगा जीरो पे, पॉइंटर को यहीं छोड़ के चला जाएगा, ये डिसइंगेज हो गया। कौन डिसइंगेज करेगा, इसको डिसइंगेज करेगा टाइमर और एक्चुएटिंग सिस्टम जो होगा वो इसको डिसइंगेज कर देगा। डिसइंगेज करने के बाद में ये रोटेट करना बंद कर देगा तो ये रुक जाएगा और ये भाग जाएगा जीरो पे। इसके बाद क्या होगा, फिर 18 सेकंड 20 सेकंड बाद लगभग, आफ्टर 20 सेकंड फिर से टाइमर इंगेज कर देगा इसको, फिर से ये एनर्जी रिकॉर्ड करने लगेगा, फिर से ये पिन जो है धीरे धीरे इधर आएगा, और अगर मैक्सिमम डिमांड अगले आधा घंटा में बढ़ गई सपोज, तभी ये पिन जो है इसको पीछे आगे ले जाएगा इधर। अगर मैक्सिमम डिमांड नहीं बढ़ी तो ये जहाँ तक पिन पहुँचेगा वहीं तक रहेगा, पॉइंटर को यहीं पे रहने देगा, इसलिए पॉइंटर मैक्सिमम डिमांड वही इंडिकेट करेगा जो मैक्सिमम थी। अगर मैक्सिमम डिमांड बढ़ेगी अगले आधे घंटे में तो ये पिन जाएगा आगे, जब पिन आगे जाएगा तभी ये पॉइंटर को आगे ले जाएगा और तभी मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा शो होगी, मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा तभी शो होगी जब पिन आगे बढ़ेगा, और पिन आगे कब बढ़ेगा, जब मैक्सिमम डिमांड बढ़ जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अदरवाइज पॉइंटर यहीं पे रहेगा। तो अगली बार मान लीजिए कि इंगेज हुआ तो मैक्सिमम, पहली बार मान लीजिए सबसे फर्स्ट टाइम पे इंगेज हुआ तो मैक्सिमम डिमांड मान लीजिए थी 2 किलोवाट, आधा घंटा बाद ये क्या हो जाएगा, डिसइंगेज हो जाएगा। डिसइंगेज हो गया 20 सेकंड के लिए, ये रीसेट हो गया, चला गया जीरो पे, 20 सेकंड तक रीसेट रहा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर से टाइमर इसको इंगेज करेगा, फिर आधा घंटा तक ये बढ़ता रहेगा इस दिशा में,
मान लीजिए अगली बार मैक्सिमम डिमांड जो है दूसरी बार फर्स्ट टाइम 2 किलोवाट थी, सेकंड टाइम मान लीजिए कि 1.5 किलोवाट है, सेकंड अगले आधे घंटे में 1.5 किलोवाट है, तो ये जो पिन है यहाँ तक नहीं आ पाएगा। पिन कहाँ तक आ पाएगा? यहाँ तक पिन यहाँ तक आ पाएगा, तो ये पिन यहाँ तक आएगा, उसके बाद फिर यहीं तक रहेगा। पॉइंटर कहाँ रहेगा? 2 किलोवाट, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड 2 किलोवाट तक ये लाया था। अगली बार ये पिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, पिन यहीं से लौट जाएगा वापस, फिर डिसंगेज होगा, तो ये जो है फिर से रीसेट होकर के पिन वापस चला जाएगा यहाँ। अगली बार तीसरी बार मान लीजिए इंगेज हुआ फिर से आधे घंटे के लिए, फिर चलाने लगेगा, फिर पिन आगे जाएगी। तीसरी बार मान लीजिए मैक्सिमम डिमांड 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट तक आएगा, यहाँ तक पिन आएगा, ये पॉइंटर यहीं रुका हुआ है फ्रिक्शन के कारण, यहीं से फिर लौट जाएगा। चौथी बार मान लीजिए मैक्सिमम डिमांड बढ़ के हो गई 2.2 किलोवाट, तो चौथी बार ये पिन जो है इंगेज होगा, ये रोट इंगेज हो जाएगा ये, तो ये इसको चलाएगा, फिर ये पिन आएगा इस दिशा में आएगा, इस बार ज़्यादा है मैक्सिमम डिमांड, तो ये पिन आगे बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा, तो इस बार पॉइंटर को आगे बढ़ा देगा। ये पॉइंटर जब आगे बढ़ जाएगा तो इस बार मैक्सिमम डिमांड बढ़ गई, यहाँ तक आ गई 2.2, ये तो जब तक मैक्सिमम डिमांड कम रहेगी तब तक ये पिन यहाँ तक आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, लेकिन जब मैक्सिमम डिमांड बढ़ेगी, एक्सीड होगी, कभी एक्सीड करेगी, तो वो उसको आगे बढ़ा देगा, तो ये आगे बढ़ा देगा, तो यहाँ तक आगे वैल्यू ये इंडिकेट करेगा। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक चलता रहेगा? मान लीजिए 30 डेज तक चलता रहेगा। इस महीने की 30 तारीख को हमने रीडिंग लिया, तो ये मैक्सिमम डिमांड मान लीजिए 2.2 किलोवाट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर को हम रीसेट कर देंगे, रीसेट कर देंगे रीडिंग लेने के बाद। हमने यूनिट भी ले लिया, हमने मैक्सिमम डिमांड भी ले लिया, यूनिट आ गई 300 और मैक्सिमम डिमांड आ गई 2.2 किलोवाट, ये करके हमने रीसेट कर दिया। रीसेट जब करेंगे तो स्प्रिंग जो है उस समय अपना प्रभाव खत्म हो जाता है, फ्रिक्शन का भी प्रभाव खत्म हो जाता है, ये चला जाता है सब जीरो पे कौन चला जाता है, पिन भी चला जाता है और पॉइंटर भी चला जाता है। तो इस बार अब मैक्सिमम डिमांड रीसेट हो गई, जीरो हो गई। अब फिर शुरू हो जाएगा अगले महीने से गिनती, फिर ऐसे ही ये पिन आएगा, पॉइंटर को आगे लाएगा, फिर ये चलता रहेगा, सेट रीसेट होता रहेगा, और इस तरह से ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर इंडिकेट करता है। लेकिन मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो है हमेशा लगभग आधे घंटे तक कैलकुलेट करता है, 30 मिनट। क्यों 30 मिनट? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम हैवी मोटर्स को ऑन करते हैं, हैवी मोटर को ऑन करेंगे तो करंट बढ़ जाती है, करंट बढ़ने से टार्क भी बढ़ जाएगा, ये तेज चलने लगेगा, तो मैक्सिमम डिमांड वो नहीं है हैवी करंट, या स्टार्टिंग करंट को मैक्सिमम डिमांड में काउंट नहीं होना चाहिए। यह मान लीजिए कि घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, अल्प समय के लिए शॉर्ट सर्किट हो गया, फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, तो उस समय भी करंट बढ़ती है, तो मैक्सिमम डिमांड में वो भी नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर अल्प समय के लिए मेजर नहीं करता है, थोड़ी सी करंट बढ़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से या मोटर को स्टार्ट करने की वजह से, तो वो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर रिकॉर्ड किसको करता है? एवरेज डिमांड को रिकॉर्ड करता है, एवरेज पावर को, इट रिकॉर्ड्स एवरेज पावर ओवर अ गिवन टाइम, ओवर अ गिवन टाइम, किसी दिए गए समय में मान लीजिए 30 मिनट में एनर्जी कैलकुलेट करेगा, उसमें टाइम से भाग दे देगा, तो एवरेज पावर निकल जाएगी, वही एवरेज पावर जो होगी वही मैक्सिमम डिमांड होगी। और कैसे निकालते हैं हमने बता दिया, 30 मिनट के लिए इसको इंगेज कर दिया जाएगा कैम को बेल क्रैंक मैकेनिज्म से, नए सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होते हैं वो इसको इंगेज डिसंगेज करते हैं, आधा घंटा या 30 मिनट इंगेज करेगा, ये 30 मिनट गियर सिस्टम चलाएगा पिन को इधर, और वो पॉइंटर को आगे मूव कराएगा, 30 मिनट में एनर्जी जो है होगी उसके हिसाब से टाइम से भाग दे करके एवरेज डिमांड कैलकुलेट हो जाएगी, फिर वो डिसंगेज कर देगा, ये पिन जीरो पे चला जाएगा, पॉइंटर वहीं रुका रहेगा फ्रिक्शन की वजह से, ये अगले 18-20 सेकंड बाद फिर से इंगेज कर देगा, ये इस तरह से क्रिया चलती रहती है।
महीने में जब रीडिंग लेंगे तो इसको रीसेट करेंगे, रीसेट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर की रीडिंग को रीसेट कर देंगे तो ये दोनों चले जाएंगे, पिन भी जीरो पे, पॉइंटर भी जीरो पे, दोनों जीरो पे हो जाएंगे। अगले महीने फिर से यही चलता रहेगा और मैक्सिमम डिमांड जब एक्सीड करेगा तो पॉइंटर आगे जाएगा। ये इस तरह से मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट होती है। मर्ज प्राइस टाइप मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर इस तरह से काम करता है अपना। तो इसको हम कहाँ इंगेज डिसइंगेज करते हैं, इसी स्पिंडल के साथ। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर को स्पिंडल से अटैच करते हैं, डिटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइमर। टाइमर लगा रहता है, उसको एक्चुएट करता है, एक एक्चुएटर होता है। एक्चुएटर को कौन रन करता है, छोटा सा सिंक्रोनस मोटर होता है। सिंक्रोनस मोटर, उससे हम एक्चुएट करते हैं टाइमर को। 30 मिनट के लिए इंगेज करेंगे और उसके बाद 20 सेकंड के लिए डिसइंगेज कर देंगे। डिसइंगेज कर देंगे तो रुक जाएगा और ये पिन भाग जाएगा जीरो पे, इसको छोड़ के फ्रिक्शन की वजह से यहीं रुका रह जाएगा। यही वैल्यू ये तब तक बताता रहेगा जब तक मैक्सिमम डिमांड इससे आगे ना जाएगी। इससे कम रहेगी तो ये पिन आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, और जब इससे अधिक होगा पिन इसको आगे मूव करा देगा। इस तरह से मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर अपना काम करता है। तो कैसे एवरेज डिमांड या मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट होती है? मैक्सिमम एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द पॉइंटर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेटिंग टाइम पीरियड। तो ये क्या करता है, 30 मिनट तक एनर्जी कैलकुलेट करता है, उसमें टाइम से भाग दे देता है, तो यही आ जाती है पावर। यही है एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड इसमें एनर्जी मीटर में लगे रहते हैं जनरली। आजकल जो एनर्जी मीटर आ रहे हैं इसमें फंक्शन की अगर आप प्रेस करेंगे, फंक्शन की यहाँ से पुश बटन है, बटन को प्रेस करेंगे, इसमें केवीए भी आएगा, किलोवाट भी आएगा, पावर फैक्टर भी आएगा और मैक्सिमम डिमांड भी आएगी। पारी पारी से सब आते रहते हैं। ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं मैक्सिमम डिमांड उस महीने की क्या है, मैक्सिमम डिमांड भी आएगी। उसके बाद रीसेट कर देंगे तो मैक्सिमम डिमांड अगले महीने फिर से ये चलने लगेगा सिस्टम फिर से, और वो रीन्यू हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा पूरा, ये जीरो पे, ये भी जीरो पे। तो इस तरह से मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर वर्क करता है और ये बिल कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल जो है उसके दो भाग हैं, हमने बताया, उसमें मैक्सिमम डिमांड का भी एक पार्ट होता है। तो इस तरह से ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर एनर्जी मीटर में इनबिल्ट होता है, इसके साथ में होता है। तो ऐसे एनर्जी मीटर को बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटिंग टाइप एनर्जी मीटर, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटिंग टाइप एनर्जी मीटर। ये यूज होते हैं आजकल मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, इसलिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड जो है वो पावर सिस्टम के मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करता है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी मैनेजमेंट ऑफ पावर सिस्टम। लोड मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, इसीलिए इसको एक्सीड करता है जो कंज्यूमर, उस पर पेनाल्टी लगा दी जाती है हैवी। डोमेस्टिक कंज्यूमर पे नहीं बता रहे हैं, इट इज़ नॉट ऑन डोमेस्टिक। घरेलू उपभोक्ताओं पे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कॉमर्शियल होते हैं बड़े बड़े उपभोक्ता, उन पे ये मैक्सिमम डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेनाल्टी उन्हीं पे लगाई जाती है, बहुत हैवी पेनाल्टी लगाते हैं, जिससे कि वो अपने लोड को मैनेज करके रखें और लोड बढ़ाएं ना सिस्टम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।